मिस्टर रणबीर कोहली, आई एम वार्निंग यू, आई स्वेयर मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आऊंगी और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये वादा है मेरा। ये है तुम्हारी असलियत, ऐसी हो तुम। लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाना, ये है तुम्हारी असलियत। और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। रणबीर, I'm sorry, रणबीर। श्रिया, तुम अभी बहुत गुस्से में हो, शांत हो जाओ। नाटक सब नाटक। हाँ, इससे भी ज्यादा। दीदी, तू तो मुझसे बाती मत कर शोकी, तब तो तुझे बीवी नजर आई। नहीं दीदी, आप अब क्या आप कर रहा है? तब तो उसी की हाँ में हाँ मिला रहा था, तू उसी की तरफदारी किए जा रहा था। बुआ जी, मेरी बात सुनिए, डैड किसी की तरफदारी नहीं कर रहे। इनफैक्ट उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही था। आपको लग रहा है कि डैड गलत है, लेकिन डैड गलत नहीं, इनफैक्ट प्राची भी गलत नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, प्राची ने आपको कब रोका? जब आप थक्के देकर रिया को इस घर से बाहर निकाल रही थी। लेकिन उसने आपको तब नहीं रोका जब आपने सबके सामने खींच के उसको चाटा मारा, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहन गलत है। हाय हाय, मैं तो मर जाना है। ये औरतें अपने पति के साथ शादी के बाद ऐसा क्या कर लेती है कि पति उनका गुणगान करते हुए उनके पीछे पीछे घूमते रहते। आप मेरी ओए चुप कर, अपनी बीवी की वजह से तू मुझसे ऐसे बात करेगा, अपनी बुआ से? प्राची भी ना, इसने सबको बहला के रखा है। हाँ बाजी, प्लीज। नहीं नहीं, वो रिया सही कह रही थी, यही समझाने की कोशिश कर रही थी ना कि प्राची कैसे सबको बहला फुसला के मीठी बन के सबके बीच में झगड़ा लगा रही है। बाजी, प्लीज, अब आप ऐसे तू चुप करेगा या I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अभी रिया की वजह से आपको जो कुछ भी देखना पड़ा, सुनना पड़ा, उसकी वजह से जो तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। दरअसल वो मेरी और मेरी बहन के बीच की बात थी, इसलिए उसने ऐसे बात की। नहीं भाभी, ये आपके और आपके बहन के बीच नहीं, मेरे और रिया के बीच की बात थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो मुझसे गुस्सा थे। मेरे और रणबीर की सगाई हो रही है, उसे समझ नहीं आया होगा कि किस पे अपना गुस्सा निकाले, इसलिए उसने अपनी बहन को कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया। आइए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। अगर आप लोग कहें तो सगाई की रस्म शुरू की जाए। हाँ हाँ पंडित जी, बस थोड़ी देर और,
मेरा मेकअप खराब हो गया तो वो मैं ठीक करके आती हूँ फिर। दिव्या राजीव तू ठीक है? तुझे ठीक लग रही हूँ मैं? कैसे सवाल है ये? ठीक है मैं नहीं हूँ ठीक, गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए, मुझे कुछ रहते कुछ लाऊं? नहीं मैं हूँ आती हूँ। हाय हाय क्या ये? अजीब सा टेस्ट है इसका, इस सब का टेस्ट सेम ही है क्या? ये भी कड़वा है, इन सबको फेंक दो, बहुत खराब टेस्ट कड़वा है। मेको डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एंड तू इतना अपसेट क्यों है? दिव्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करने वाली हूँ। कैसी गलती? रणबीर वो इतना अच्छा है, इतना स्वीट है, तुमने देखा ना आई मीन कैसे वो अपनी एक्स के साथ मेरे लिए लड़ रहा था। इतना साफ दिल है उसका, जो अंदर है वो ही बाहर है। और मुझे देखो, मैं अपने पास के बारे में किसी को बता तक नहीं सकती, और उसने कितने अच्छी तरीके से, कितने मैनर्स के साथ सबको प्रूव कर दिया कि वो मेरे लिए क्या फील करता है, कितनी इम्पोर्टेंस है मेरी उसकी नजरों में। आई नो मीको, तभी तो मैं कहती हूँ ही इज द बेस्ट, वो बहुत स्वीट है। एंड फाइनली वो तुझे मिल रहा है मीको, वरना तो तुझे पता ही है उस लड़के से किसी को भी प्यार हो जाए। मुझे भी हो गया दिव्या, मुझे उससे सच में प्यार हो गया। I'm in love with Ranveer. तो बोल क्या रही है? वो तो मुझे पता है कि तू भी उससे प्यार करती है, तभी तो तुम दोनों की सगाई हो रही है। नहीं दिव्या, तुम सब लोगों को पूरी सच्चाई नहीं पता। कैसी सच्चाई? लुक, मैं इस घर में रणबीर के साथ आई थी, राइट? यही सबको पता है। पर ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मयंक मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसने मुझे छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर रहा था वो, और उसकी वजह से मैं सुसाइड करना चाहती थी। मीकू? हाँ, और रणबीर ने मुझे बचाया, और बचाते बचाते यहाँ तक आ गया, सिर्फ इसलिए ताकि डैड को कुछ ना हो। मेरा रिश्ता टूटने की वजह से मेरे साथ क्या होता है ये तो तू बहुत अच्छे तरीके से जानती है दिव्या। मैं अंदर से पूरी टूट जाती हूँ। लाइफ में पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है जिसने बिना कोई वादा किए वादा निभाया है, वो हर जगह हर वक्त मेरे साथ खड़ा था, मेरा सपोर्ट करने के लिए, इतना अच्छा, इतना लॉयल, ऐसा इंसान दिव्या, लव विद रणवीर। दिव्या रणबीर ने मेरी हेल्प करते करते मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया कि मुझे उससे सच में प्यार हो गया। And I just hope कि उसे भी मुझसे प्यार हो जाए। और सगाई के बाद वो मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दे। करेगा मीकू, करेगा, ये तू बहुत स्वीट है, माय मीकू इज द बेस्ट, और उसे भी तुझसे बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा।
पल्लवी, मेरा बोलना अगर फिजूल है ना, मैं नहीं बोलूंगी। क्या बोलना है आपको? तू है ना अपना दिमाग नहीं चला रही। मैं तुझे गुस्सा नहीं कर रही हूँ, प्यार से समझा रही हूँ। आपको अब भी लगता है कि मैं अपना दिमाग नहीं चला रही हूँ? हमीशी, आई एम सॉरी टू से, बुरा मत मानिए, लेकिन दिमाग आप अपना नहीं चला रही। आप वो नोटिस ही नहीं कर पा रही है जो हो रहा है। क्या नोटिस नहीं कर रही हूँ मैं, बता। रणबीर को नोटिस किया आपने? उसकी चुप्पी नोटिस की? जब रिया वहां खड़ी खड़ी बकवास किए जा रही थी, रणबीर एकदम चुप था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही रिया ने प्राची के बारे में बकवास करनी शुरू की, रणबीर से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रही हैं आप? मम्मी जी, इसका मतलब ये है कि रणबीर आज भी प्राची से प्यार करता है, आज भी उसके दिल में प्राची है। नहीं पल्लवी, नहीं है। है मम्मी जी, आप यही तो नोटिस नहीं कर पा रही है। आप वो नहीं देख रही है जो मैं देख रही हूँ। पल्लवी, तू जो देख रही है ना, वो बीती हुई बातें हैं, पुराना बंधन है जो कभी नहीं टूटेगा। दोनों ने बहुत सारे पल एक साथ गुजारे, और पल्लवी ऐसा नहीं होता ना कि नए रिश्ते आ जाए तो पुराने बंधन छूट जाते हैं या झूठे हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बात पर भरोसा कर कि रणबीर जैसा पहले महसूस करता था ना ये सब बातों से, अब नहीं करेगा। सच कह रही हूं मैं। क्या तुम बोलो ना? क्या मैं बोलूं? हाँ, तुम कम से कम एक छोटा सा थैंक यू बोल दो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड मत बोलो, तुम्हारा ना थैंक यू भी नहीं चेंज। प्राची, हम ना कुछ वक्त तक तो साथ रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझते हैं, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कि तुम क्या बोलना क्या चाहती हो। तुम्हें पता है ना मैं नॉर्मल चीजें समझता हूँ, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन समझता हूँ, तो तुम नॉर्मली बात करोगी, मुझे समझाओगी क्या बोल रही हो तुम? ठीक है, तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ जो तुम्हें समझ में आए। क्या किया मेरी बहन के साथ तुमने? इस तरह पेश आता है कोई लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है? एक सेकंड, तुम मुझे नहीं समझा सकती कि लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं। मुझे आता है लड़की के साथ पेश आना, तुम मुझे लेक्चर मत दो। देना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें अदरवाइज समझ में आता ही नहीं है ना। तुमने रिया के साथ कैसे बिहेव किया? तुमने इतना बुरा बिहेव किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने बुरा बिहेव किया रिया के साथ? और रिया ने मेरे साथ क्या किया? जितना बुरा उसने मेरे साथ किया, जितना बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद तो 20% भी नहीं है जो मैंने किया हुआ। और मेरी प्रॉब्लम पता क्या है? मैं ना लोगों से रूड नहीं हो पाता, तो जब मैं थोड़ा सा भी रूड होता हूं ना, तो एकदम से बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। पर लोगों को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं, वो तो मेरे साथ रूड भी होते हैं, पर किसी को मेरी पड़ी है? मेरी फीलिंग्स की, मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरे बारे में सोचा कभी किसी ने? किसी और की शिकायत क्या करूँ, तुम नहीं सोचती मेरी फीलिंग्स के बारे में, किसी और के बारे में क्या बोलूंगा? बस रणबीर, अब ये सब शुरू मत करना क्योंकि गलत है। मैं हमेशा से अच्छे से ही रही हूँ तुम्हारे साथ, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही अच्छे से रही हूँ। अच्छा? हाँ, ऑफ कोर्स, तुम ना कुछ भी बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें ना अच्छाई दिखाई नहीं देती, अच्छाई में भी बुराई ढूंढते रहते, शिकायतें, गलतियां, पता नहीं क्या क्रिप करते रहते। हाँ, क्यों नहीं करूंगा क्रिप? क्योंकि बुरा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बुरा रिया के साथ नहीं हुआ, बुरा मेरे साथ हुआ है, दर्द मुझे हुआ है, शिकायतें मेरी हैं, मेरे जज्बातों के साथ खेला गया है। मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला लाइफ में कभी। रियली? ऐसे क्या देख रही हो तुम? सच में तुमने कभी मेरे प्यार को वैल्यू किया ही नहीं, कभी मेरे जज्बातों को समझा ही नहीं, तुम्हें कभी मेरी फीलिंग से, मेरे जज्बातों से फर्क कहां पड़ा है? वाओ, कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ पे। ये रखो एडवांस। और अगवा किसको करना है मैडम?
ये फोटो भेज रही हूँ, पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ करने का पैसा नहीं लेता हूँ मैडम, काम करने का लेता हूँ, काम हो जाएगा। तो फौरन अपना काम खत्म करो। ठीक है मैडम। चेक करो, फोटो आई? आ गया। जल्दी जाओ, जस्ट फिनिश दिस बिजनेस ऑफ। क्या लगा सबको, खत्म मेरी कहानी? जिसने भी ऐसा सोचा ना, सच में उसमें दिमाग नहीं है, क्योंकि मेरी कहानी तो पहले भी थी और आगे भी रहेगी। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद नहीं की, मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिलेगा, और अगर वो मुझे नहीं मिलेगा मैं उसे छीन लूंगी। रणबीर मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। रणबीर इज माइन। I'm in love with Ranveer. लाइफ में पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला है मैं क्या कर रहा, रुकना यार, अबे पैर टूट जाएगा। हाथ क्या हो गया, क्या 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 हो गया? वो बेका, वो मुझे धोखा दे रही है, हमारे सामने कुछ और बोलती है, और वहां दिव्या उसकी बहन, उसके सामने पता है क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो रणबीर से प्यार करती है, वो यहाँ जाएगा। लेकिन अब करना क्या है, करना क्या है, उठाना पड़ेगा। क्या? मेहिका को उठाना पड़ेगा ताकि उसकी सगाई उस रणबीर से ना हो सके। उसको उठा तो लेंगे, लेकिन करेगा क्या? वही जो यहां करने आए, शादी अगर मानती है तो ठीक है, वरना जबरदस्ती करूंगा। अब कोई रास्ता नहीं है। सीरियसली रणबीर, तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि मैंने कभी तुम्हारी केयर नहीं की, परवाह नहीं की, तुम्हारे फीलिंग्स को नहीं समझा? नहीं, कभी नहीं समझी तुम। तो मैं सही था, ये प्राची से प्यार करता था, और मुझे लगता है प्राची ने कभी इसे भाव नहीं दिया, इसलिए ये प्राची से इतना गुस्सा है और भड़क रहा है। चल पल्लवी, चलते हैं। चल, क्या सोच रही है, चल ना। आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? किस बारे में? मेहिका, प्राची, रिया, सबके बारे में। जो भी कुछ बताना है साफ साफ बता, जो मेरी समझ में आए। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ होने वाला है। सगाई होने वाली है? अरे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अरे हाँ पल्लवी, बात इतनी सी नहीं है। अरे सगाई की तैयारियां प्राची कर रही है और रणबीर सगाई के लिए तैयार हुआ है। आज तक तो दोनों आपस में कंफ्यूज होते रहते थे और हमें भी कंफ्यूज करते रहते थे। यही तो मम्मी जी, यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों मुझे कंफ्यूज नजर नहीं आ रहे। मम्मी जी, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है, लेकिन हमें दिखा कुछ और रहे। ये दोनों अपनी फीलिंग्स की सच्चाई हम सबसे छुपा रहे। दूसरों को ब्लेम करने से पहले ना तुम देखो तुम क्या हो, तुम क्या सोचते हो। सच ये है कि तुमने कभी किसी और की फीलिंग्स को समझाई नहीं, कदर ही नहीं की। Wow. Very good. तुम्हारे अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो तुमने मेरी बात को दोहरा के मुझे ही सुना दिया ना, वेरी गुड। तुम्हारे अंदर कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है, तुम्हारे कोई दिल की फीलिंग्स नहीं है जो तुम अपने हिसाब से बोलना चाहती हो, और तुम कह रही हो मैंने किसी की केयर नहीं करी। अगर मैं किसी की केयर नहीं करता ना, तो आज रिया मेरी लाइफ में होती ही नहीं। अगर मुझे किसी की केयर नहीं होती, मुझे परवाह नहीं होती कि रिया अपनी लाइफ में जो भी करे, वो अपनी नस काटे, मर जाए, कुछ भी करे, तो होती हूँ मेरी जिंदगी में नहीं ना। मेरी जिंदगी में मेरा सच्चा प्यार होता, और वो सच्चा प्यार मुझ पे कभी इतना शक भी नहीं करता। इन आंखों ने वो देखा है जिसे देखने से दुनिया डरती है, लोग डरते हैं। इतना सब हो गया
उसके बाद मुझे समझ में आया, जिसे प्यार समझ रही थी ना, वो प्यार नहीं था, वो नए जमाने का दस्तूर था। ये ये यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, मतलब बात कुछ और है, तुम कुछ और ही बोलोगे, मतलब पॉइंट पर कभी आओगे नहीं, घुमा फिरा के कंफ्यूजन क्रिएट करके बात करोगे, तुमसे ना बात करना ही बेकार है। प्राची, ऐसे बीच में डिस्कशन छोड़ के मत जा, और तुम ये बदतमीजी करना कब बंद करोगी? जब तुम नॉर्मल लोगों की तरह ठीक से बात सुनोगे, दूसरा आदमी क्या कह रहा है ठीक से बात करोगे तब। ठीक है, तो ठीक से बात करते हैं, जैसे तुम कह रही हो, मैं अच्छे से सुनूंगा, अच्छे से सब समझूंगा। चलो टेल मी, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, बोल। ठीक, मुद्दे पे आते। तुमने जो रिया के साथ बिहेव किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। You were rude to her. सबके सामने ऐसे बिहेव किया, अक्षय की पूरी फैमिली थी, उसको कैसे लगा होगा, आफ्टर ऑल वो तुमसे प्यार करती है। और तुम भी रिया से बहुत प्यार करती हो, तुम दोनों बहनें, आपस में तुम्हारा जो भी रिश्ता है, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं पिसना नहीं चाहता तुम दोनों के बीच में, मुझसे नहीं होगा। यही कह रही थी, मतलब मैं कुछ और बोल रही थी, तुम कुछ और ही समझ रहे हो, तुम ये सब करते हो ना इस वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे भी तुम बिल्कुल नापसंद हो। मुझे ना अपने आप से नफरत होती है, चिढ़ होती है, क्योंकि मैं तुमसे बात करती हूँ। I hate myself. You know what? I also hate myself. मुझे भी बहुत नफरत होती है कि मैं तुमसे बात करी क्यों, क्यों आया तुम्हारे सामने? You know what? इस प्रॉब्लम को सुलझा ही देते, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अक्षय तू भी ना क्या सोचे जा रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो इनकी शादी होनी चाहिए थी, भगवान कुछ ना कुछ करके इन दोनों को जरूर मिला था।